तो बच्चों एक बार और आपका स्वागत है मेरे चैनल में साइंस क्लासेस बाय पंकज सर फॉर क्लासेस 8, 9 and 10। जैसा कि लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्प्लेसमेंट, और इन क्वांटिटीज के बारे में थोड़ा डिस्कशन था। एंड देन उसके बाद आपको एक्सपर्ट होना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेसिक्स लेवल से लेके आपका इंटेक्स एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस और एक दो एडवांस्ड क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक जैसे मोशन चैप्टर में स्टार्ट हुआ, तो आपको न्यूमेरिकल करने का प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, बिकॉज क्लास 9 फिजिक्स इज फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं आपको फिर बेसिक बता देता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो सपोज यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए एंड यू रीच्ड अनदर पॉइंट बी एंड यू फॉलोड दिस पाथ। जिस पाथ को आपने फॉलो किया वो इरेगुलर पाथ था, और इस पाथ का लेंथ सपोज टू बी 10 किलोमीटर। बट इफ आई कॉन्सिडर अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी, इफ आई कॉन्सिडर स्ट्रेट पाथ बिटवीन ए एंड बी, लेंथ ऑफ दिस पाथ इज सपोज टू बी 8 किलोमीटर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इन दिस केस what is considered to be distance covered, what is considered to be displacement? तो यहाँ पे distance word का मतलब क्या, what is the meaning of the term distance? Distance is the length of the actual path covered by a body between two points. And displacement क्या होता है? Displacement is the shortest and straight path. Length of the shortest and straight path between the initial and final position. Okay? So यहाँ इस केस में अगर आपको पूछा जाए डिस्टेंस कवर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड का मैग्नीट्यूड कितना है 10 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज व्हाट 8 किलोमीटर। फिर मैंने आपको समझाया था अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप अगर ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो ये एक्चुअली फर्स्ट वीडियो नहीं है, ये सेकेंड है उस सीरीज का। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको आप पहले वॉच करो एंड देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। सो डिस्टेंस 10 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 8 किलोमीटर, और मैंने बताया था आपको फिजिकल क्वांटिटीज आर टू टाइप, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर देयर कंप्लीट एक्सप्रेशन, एंड वेक्टर क्वांटिटीज नीड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ डिस्टेंस जो है इस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन फिक्स नहीं, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट देख सकते हो डायरेक्शन इज व्हाट फिक्स्ड, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज देयर। टू एक्सप्रेस डिस्प्लेसमेंट यू कैन यूज व्हाट डायरेक्शन आल्सो। सो अगर मैं आपको यहां 4 डायरेक्शंस मेंशन कर देता हूं लाइक दिस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर आपको ये चारों डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाए और मैं आपको पूछता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन यू कैन इजीली आंसर the direction of displacement, it is 8 kilometer to magnitude hoga, direction of displacement is what, towards east. Okay, so what is the basic difference between distance and displacement? Displacement is the length of the actual path covered by a body between two points, and displacement is the shortest and straight, okay, the length, actually the length of the shortest and straight path between the initial and final position of a body. So, अब हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है, नाउ वी कैन स्टार्ट न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। आप एक नोटबुक अपने साथ में रखो, फर्स्ट यू नोट डाउन द क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट डाउन करते वक्त उसके बारे में सोचो आप, और साथ साथ में आप सॉल्यूशन भी नोट डाउन करो। जैसे आप सिर्फ वीडियो देखने से होगा नहीं, आपको नोटबुक में इन सबको प्रॉपर तरीका से लिखना भी है। So first question,
बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर. एक बॉडी मूव कर रहा है कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ. रेडियस कितना गिवन है 7 मीटर. एंड कंप्लीट्स वन राउंड. कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट. कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. सो अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ. रेडियस कितना 7 मीटर. रेडियस इज 7 मीटर. सो दिस इज द सर्कुलर पाथ. यहां अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट्स वन राउंड. मान लेते यहां से स्टार्ट हुआ. दिस बॉडी कंप्लीट्स वन राउंड. रेडियस इज गिवन. रेडियस कितना दिया हुआ. रेडियस यहां पे गिवन है 7 मीटर. रेडियस 7 मीटर. एक राउंड कंप्लीट हुआ. रेडियस 7 मीटर. आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो एक बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है और लेंथ ऑफ दिस पाथ क्या होगा, एक राउंड में इस लेंथ, इस पाथ का लेंथ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, सर्कमफेरेंस. सो यहां पे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड will be circumference, that will be what, 2 pi r. So it will be 2 into 22 by 7 into radius kitna 7 meter. So you will get 44 meter as what, distance covered. So if a body moves in a circular path of radius 7 meter and completes one round ka baat ho raha, agar yahi 2 round hota to 2 into 2 pi r hota, 3 round hone se 3 into 2 pi r. और यहां डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहां डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको जानना है. डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा 0. अब आप पूछोगे डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हो गया. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो यहां इनिशियल पोजीशन ये था और एक राउंड के बाद फाइनल पोजीशन भी ये. इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों अगर सेम होगा देन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. तो यहां आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 सिंस द इनिशियल, सिंस द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशंस आर सेम. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 0. सो आप नोटबुक में अच्छा से नोट डाउन करना इन डायग्राम्स, जो भी मैं यहां ड्रॉ करूंगा, जो भी फिगर ड्रॉ करूंगा, उन सब को भी अच्छा से नोट डाउन करना है. सो नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड. यहां पे डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेशन किया हम लोगों ने, कितना आया 44 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, 0. अब हम मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ. और यहां सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहले उसको समझने का कोशिश करो आप. अ बॉडी मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ. इस बार पाथ सर्कुलर नहीं है, इस बार पाथ कैसा है, सेमी सर्कुलर. और रेडियस कितना गिवन है, 7 मीटर. You are asked to calculate distance covered and displacement. देख लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा. सो हियर पॉइंट ए से पॉइंट बी, व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ. और यहां पाथ कैसा है, इट इज सेमी सर्कुलर. और यहां रेडियस गिवन आपको, रेडियस कितना, रेडियस अगेन इट इज गिवन 7 मीटर. एंड बॉडी मूव्स इन व्हाट काइंड ऑफ पाथ, सेमी सर्कुलर पाथ. So, इसका सॉल्यूशन आप नो डाउन कर सकते हो. यहां आपको कैलकुलेट कर, रेडियस गिवन है और आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड. ओके, सो फुल सर्कल में वन राउंड में डिस्टेंस कवर्ड हम लोग को पता है कितना था, 2 pi r. तो ये तो सेमी सर्कल, हाफ सर्कल. सो इट विल बी हाफ इंटू 2 pi r. वी कैन राइट डायरेक्टली व्हाट, 5 r. ये 5 r कैसे आया, इट इज व्हाट, हाफ सर्कल इंटू व्हाट, 2 pi r. So it will be what, pi r. So distance covered pi r, pi ka value 22 by 7 or r 7 meter. So it will be what, 22 meter. Distance covered हम लोगों ने calculate कर लिया. अब मैं पूछता हूं आपको displacement के बारे में. I am asking you about displacement. तो initial position A, final position B and length of the shortest and straight path between the initial and final position is what, displacement. तो यहां डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ए से लेके बी तक का स्ट्रेट पाथ और इस पाथ का लेंथ है इक्वल्स टू डायमीटर. सो वी कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, डायमीटर. और डायमीटर होता है 2 इंटू आर.
रेडियस आपको गिवन है तो 2 × 7 मीटर, सो आंसर विल बी 14 मीटर. डिस्प्लेसमेंट कितना? 14 मीटर. सो सेकेंड क्वेश्चन, अनदर इजी क्वेश्चन, जहां सेमी सर्कुलर पाथ था और रेडियस गिवन था, हम लोग को कैलकुलेट करना था डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू शुड सब्सक्राइब चैनल. और आप क्लास 9 के अगर स्टूडेंट हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चैनल होने वाला है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मैं बोल रहा हूं आपको, आप ये वीडियो में आपका स्टार्टिंग स्टेज है क्लास 9 का, और सच बताता हूं कि अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल में चैंपियन हो जाते हो तो आपका क्लास 9 का साइंस का जर्नी कंफर्टेबल हो जाएगा. नाउ अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Another question, question number 3. A person moves 3 km towards east in a straight line and then 4 km towards north in a straight line. Question समझ लेते हैं. तो पहले 4 directions mark कर लेते हैं हम लोग. It is north, south, east and west. So a person moves 3 km towards east in a straight line. Okay? तो पहले बात हो रहा person किधर गया? A से B. मान लेते हैं A से B गया है. और किस तरफ? Towards east, length कितना? 3 km. Person moves towards east and distance covered will be what? 3 km and straight path है. Then 4 km towards north, ये north direction, 4 km towards north मान लेते हैं हम लोग. B to C, it is 4 km. आपको क्या कैलकुलेट करना है? You are asked to calculate distance covered and displacement. What is distance? Distance is the length of the actual path and displacement is the shortest and length of the shortest and straight path between the initial and final position. So, yahan hum log baat kar sakte hain pehle about distance covered. You can note down solution. So, pehle hum log calculate kar lete hain distance covered. Distance covered hum log jante hain, it is the length of the actual path ye raha. So, AB ka length and BC ka length. ओके, AB का लेंथ 3 km और BC का लेंथ कितना है? 4 km. सो इट विल बी व्हाट? 7 km. इजी. डिस्टेंस कवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब डिस्प्लेसमेंट, अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, आप टर्म को अगर समझ जाते हो तो न्यूमेरिकल करना इजी है. डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन. तो AC हो गया यहां डिस्प्लेसमेंट. So displacement is equals to AC, लेकिन आपको तो magnitude पता करना है. So from triangle ABC, अगर आप इस triangle देखो, ये right angle triangle है, आप यहां Pythagoras theorem use कर सकते हो. The hypotenuse, base and perpendicular. So you can use this Pythagoras theorem as AC square equals to AB square plus BC square. So AC square, AC का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है. AB is 3 km, 3 km whole square plus BC, BC is 4 km, 4 km whole square here. So यहां पे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं. AC square equals to 3 km square हो गया यहां पे, 9 km square. 9 km square और 4 km square, 4 km का whole square, तो 16 km square. So AC square equals to 25 km square. AC equals to root over 25 km square. Therefore we can write here AC equals to what? AC equals to 5 km. लेकिन अगर आप इस फिगर को देखो और इन डायरेक्शंस को देखो तो आप डायरेक्शन भी बता सकते हो. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डायरेक्शन मैच कर रहा है टुवर्ड्स व्हाट? नॉर्थ ईस्ट. सो 5 km टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, 5 km टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट. सो अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो जब भी आप डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखोगे, डायरेक्शन का नॉलेज होगा, तो यू शुड मेंशन अबाउट व्हाट? डायरेक्शन आल्सो, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ
vector quantity that can be expressed completely using what? Magnitude and direction. So we have discussed till now three numericals and all are important numericals. Ye foundation hai samajh lo aap, aapka basics clear karne ke liye related to what? Distance and displacement. Note down the solution or in figure ko draw karna mat bhulna aap. They are very important. Moving to next question. Aur ye hai question number 4, another important pattern. Okay, question number 4. तो पहले ऑलवेज क्वेश्चन को रीड कर लेना चाहिए और रीड करके क्वेश्चंस को ठीक से समझना चाहिए. एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए कि आप इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करोगे. पहले सोच लेना चाहिए, पूरा प्लानिंग कर लेना चाहिए, देन यू शुड स्टार्ट. सो अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स 5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर. तो यहां बात हो रहा है कि एक बॉडी मूव किया एक स्ट्रेट लाइन में, मान लो ए से स्टार्ट किया और बी तक पहुंच गया बॉडी, और यहां कितना कवर किया डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में 5 किलोमीटर, ए से बी 5 किलोमीटर. ओके, देन रिटर्न्स अलोंग द सेम लाइन, उसी लाइन में बाद में रिटर्न भी हुआ है बॉडी, तो बी से रिटर्न हुआ उसी लाइन में एंड डिस्टेंस कवर्ड 3 किलोमीटर. सो बी से सी रिटर्न हुआ बॉडी एंड डिस्टेंस कवर्ड इज व्हाट? 3 किलोमीटर फ्रॉम बी टू सी. आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट. इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट. तो यहां आप सॉल्यूशन नोट डाउन कर सकते हो. डिस्टेंस कवर्ड बाय डेफिनेशन हम लोग जानते हैं लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. तो यहां एक्चुअल पाथ स्ट्रेट पाथ ही था और उसका लेंथ जानना है, तो ए बी का लेंथ और बी सी का लेंथ अगर आप ऐड कर देते हो, यू विल गेट द टोटल लेंथ ऑफ दिस पाथ 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, इट विल बी व्हाट? 8 किलोमीटर विल बी द डिस्टेंस कवर्ड. लेकिन अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का बात करें, तो यहां पे इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी. सो डिस्प्लेसमेंट इज ए सी. डिस्प्लेसमेंट यहां क्या मिला हम लोग को? ए सी. और अब हम लोग को जानना है AC का वैल्यू. वी विल गेट दिस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो AC इज इक्वल्स टू AB माइनस BC. तो ये नेगेटिव साइन कहां से आ गया? ये नेगेटिव साइन इसलिए लिया गया क्योंकि BC का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इज AB के ऑपोजिट है. सो यू कैन यूज, यू कैन सॉल्व लाइक दिस. सो AB का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज 5 किलोमीटर. और BC का मैग्नीट्यूड कितना है? इट इज 3 किलोमीटर. सो इट विल बी 2 किलोमीटर. लेकिन ये 2 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट किधर है? टुवर्ड्स बी वी कैन से. सो डायरेक्शन गिवन नहीं है तो उतना मेंशन करना जरूरी नहीं है. AC का मैग्नीट्यूड मिल गया. सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? यहां पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आपको मिला है 2 किलोमीटर. डिस्प्लेसमेंट मतलब इस पाथ का लेंथ, यहां से यहां तक कितना? 2 किलोमीटर. ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड 8 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर. सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन लास्ट 2 क्वेश्चन से थोड़ा यहां पे डिफरेंस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा मतलब उतना भी ज्यादा नहीं. एक बार देखो, आप क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो. यहां पे अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. पहले 4 डायरेक्शंस मार्क कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अ पर्सन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो ए से बी 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके, देन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो आप देखो यहां 5 किलोमीटर ले जाते हैं बी से सी टुवर्ड्स नॉर्थ. उसके बाद यहां पे दिया हुआ अगेन 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. वापस 5 किलोमीटर किधर? टुवर्ड्स ईस्ट. डी कर लेते हैं इसको और 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट. तो ये था डायरेक्शन ऑफ मोशन. ओके, डिस्टेंस कवर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स.
आपको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, यहां बात हो रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और साथ में कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। सो पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिस्टेंस कवर्ड की। डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड विल बी लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ पी सी प्लस लेंथ ऑफ सी डी। सो ये हो गया 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, सो कितना हो गया 17 किलोमीटर। इट इज व्हाट, 17 किलोमीटर। अब बात हो रहा है डिस्प्लेसमेंट का, तो बार बार मैंने आपको बोला है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो यहां इनिशियल पोजीशन इज ए, फाइनल पोजीशन इज डी, सो ए डी विल बी डिस्प्लेसमेंट। और आप डायरेक्शन भी यहां से पता लगा सकते हो। सो डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट यहां पे है ए डी, और आपको ए डी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। आपको एडी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये मिड पॉइंट है, ये ट्राइंगल लेते हैं, ये ट्राइंगल लेते हैं, दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं और प्लस कर देते हैं, लेकिन रॉन्ग होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है उसका गारंटी नहीं है, ये मिड पॉइंट है उसका कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग यूज करेंगे थोड़ा अलग मैथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग सी डी को बैकवर्ड एक्सटेंड करें। सी डी को एक्सटेंड किया यहां पे, ये 5 किलोमीटर को थोड़ा सा नीचे ये साइड में लिख देते हैं डायग्राम में, थोड़ा इश्यू आ जाएगा नहीं तो। इट इज 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर और प्लस 5 किलोमीटर, आप तो समझ गए हो। और यहां पे क्या किया है, मैंने सी डी को बैकवर्ड एक्सटेंड किया है। CD को बैकवर्ड एक्सटेंड करके मान लो इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं एज E, और E को और A को ज्वाइन कर देते हैं, एंड इट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। तो E A को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब आप यहां इस फिगर को अगर ठीक से देखते हो तो AB और CE का लेंथ इक्वल है, सो वी कैन कंसीडर दिस एज 7 किलोमीटर, और CB और AE का लेंथ इक्वल है, वी कैन कंसीडर दिस टू बी व्हाट, 5 किलोमीटर। सो डिस्प्लेसमेंट AD आपको फाइंड आउट करना है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल हम लोग यूज कर सकते हैं ये वाला ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल AED, AED ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग। AD स्क्वायर इक्वल्स टू DE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AD स्क्वायर, AD का जो वैल्यू है कितना वो पता लगाना है हम लोग को, AD का मैग्नीट्यूड पता लगाना है। DE 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 12 किलोमीटर, 7 प्लस 5 12 किलोमीटर होल स्क्वायर। और AE का वैल्यू कितना है, AE इज 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर होल स्क्वायर। ओके, सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 12 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 5 किलोमीटर स्क्वायर। So you are getting what? AD square equals to 144 kilometer square plus 25 kilometer square. So AD square equals to 144 or either 25, so either 169 kilometer square you are getting. So AD square equals to, यहाँ पे AD find out करना हम लोग को, AD equals to root over 169 किलोमीटर स्क्वायर, देयरफॉर AD equals to 13 किलोमीटर। अब यहां पे अगर आप मेंशन कर सकते हो, यू शुड मेंशन डायरेक्शन, और आप यहां देखो ये डायरेक्शन मैच कर रहा है किधर, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर कि यहां तीन वो जो पर्सन वो बॉडी पहले ट्रेवल किया किधर, ए से बी, फिर बी से सी, देन सी से डी, डायरेक्शन चेंज हो रहा था, एंड वी कैलकुलेटेड डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। बाकी लास्ट दो न्यूमेरिकल से थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको आप अलग से मार्क करके रखो, वापस प्रैक्टिस करने का जरूरत है। और मैंने बोला बार बार आपको, जो भी फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ दैट फिगर्स यू शुड नोट डाउन प्रॉपरली,
और जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो विथ फिगर ही आपको करना है. सो वी डिस्कस्ड हाउ मेनी न्यूमेरिकल्स टिल नाउ, 5 न्यूमेरिकल्स वी डिस्कस्ड, और आप 2 मिनट टाइम लेके उन 5 न्यूमेरिकल को एक बार देखो, जस्ट देखना आपको, देन फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट 5 न्यूमेरिकल्स. ओके, और अब हम लोग नंबर 6 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, और मैं बता रहा हूं आपको ऑल आर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, एंड सिंस यू आर इन द बिगिनिंग स्टेज, सेशन स्टार्ट हुआ होगा आप लोगों का जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आप अगर, मैंने बोला है न्यूमेरिकल्स पे कंसोलिडेट कर लेते हो, न्यूमेरिकल्स को अपना पावर बना लेते हो, तो क्लास 9 में आपका पावर रहेगा. सो नंबर 6, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका इन टेक्स्ट पार्ट में, और ये मोस्ट प्रोबेबली द फर्स्ट न्यूमेरिकल इन योर चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. नंबर 6, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड. तो एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं यहां पे डायग्राम में, और इसको मार्क कर लिया एज ABCD. और फार्मर मूव कहां कर रहे, अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड एज पर द क्वेश्चन, एंड द साइड, ईच साइड इज गिवन हियर, साइड है 10 मीटर. कितना? 10 मीटर. 10 मीटर. सो अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड. फार्मर को एक राउंड कंप्लीट करने में, ए से स्टार्ट करके घूम के वापस ए में आने में टाइम लग रहा है कितना? 40 सेकेंड. क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड. फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना टाइम में? फार्मर एक राउंड कंप्लीट कर रहा है कितना टाइम में? एक राउंड कंप्लीट हो रहा 40 सेकंड में. वन राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकंड. तो आपको ज्यादा टाइम इधर दिया गया है, 2 मिनट्स 20 सेकंड. कितना टाइम दिया गया है? 2 मिनट्स 20 सेकंड. उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना है, और आपको फार्मर का डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से एक राउंड में कंप्लीट करने में 40, तो टोटल टाइम कितना दिया गया? 2 मिनट्स 20 सेकंड. तो हम लोग पहले नोट डाउन कर लेते हैं टोटल टाइम. टोटल टाइम गिवन हियर, टोटल टाइम कितना दिया गया आपको? 2 मिनट्स 20 सेकंड. एंड 2 मिनट्स 20 सेकंड कितना? 2 मिनट्स 20 सेकंड. तो 120 और 20 140 सेकंड. तो आपको फार्मर का डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इस टाइमिंग के लिए. ओके, लेकिन मैंने पहले आपको 40 सेकंड्स के बारे में पूछ लेता हूं कि अगर 40 सेकंड का बात है तो फार्मर एक राउंड कंप्लीट किया तो आप बता सकते हो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड तो इन चारों लेंथ को प्लस कर देंगे तो 40 मीटर होगा. और एक राउंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक राउंड के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला? 0 होने वाला. ए से स्टार्ट किया, वापस ए में पहुंच गए. तो हम लोग अगर नंबर ऑफ राउंड्स पता लगा लेते हैं 140 सेकंड में कितना होगा, देन कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी होगा. तो पहले उसको पता लगा लेते हैं. नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड, नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स एज पर द क्वेश्चन 1. देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड विल बी 1/40 × 140. सो यू विल गेट 3.5. इसका मतलब 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट हुआ? 3.5 राउंड. ओके, और आपको अब कैलकुलेशन इसी बेसिस पे करना है. नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, वन राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 4 × 10 मीटर होगा. 4 sides, 1 round, 40 meter. Therefore, distance covered in
3.5 rounds, that is 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds में डिस्टेंस कवर्ड कितना आएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड 40 मीटर है, तो 3.5 राउंड यानी 2 मिनट 20 सेकंड में आपको डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना, 3.5 इंटू 40, 3.5 इंटू 40, सो इट विल बी 140 मीटर। और अगर आप ठीक से स्टडी करो तो ये फार्मर 40 सेकंड में 40 मीटर जा रहा था, इसका मतलब हर एक सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो 140 सेकंड में 140 मीटर ही जाएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें, इस टाइमिंग में डिस्प्लेसमेंट का बात करते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करना है 2 मिनट 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, तो 2 मिनट 20 सेकंड में हो रहा है कितना राउंड? 3.5 राउंड। तो 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है देखते हैं। आपको मैं अगर पूछता हूं एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, आप जानते हैं इट विल बी जीरो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम। तो आप मुझे बताओ सेकंड राउंड के बाद, दो कंप्लीट राउंड के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अगेन जीरो। थ्री राउंड्स के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वो भी जीरो। और 3.5 राउंड में बॉडी पहुंच जाएगा यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा एसी। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एसी। तो अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आप ये जो डिस्टेंस कवर्ड वाला पार्ट है इसको ठीक से नोट डाउन कर लो, और मैं आपको बताऊंगा अभी अबाउट डिस्प्लेसमेंट के बारे में, डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। तो आई होप यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग हियर रिलेटेड टू डिस्टेंस कवर्ड। और अब बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के बारे में इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। सो डिस्प्लेसमेंट यहां पे हम लोगों को पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? एसी। अब हमको एसी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और एसी का डायरेक्शन का यहां पे कोई बात दिया हुआ नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मेंशन करना उतना जरूरी नहीं है। सो फ्रॉम ट्राइंगल, यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हम लोग, ट्राइंगल एबीसी ले लेते हैं और उसमें एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, वी कैन यूज दिस थ्योरम एंड एसी स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का वैल्यू है 10 मीटर होल स्क्वायर और बीसी का वैल्यू है 10 मीटर होल स्क्वायर, वी कैन राइट सो एसी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर, वी आर गेटिंग एसी स्क्वायर एज 200 मीटर स्क्वायर एंड देयरफॉर एसी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? रूट ओवर 200 मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पे रूट ओवर 200 मीटर स्क्वायर आपको यहां मिला है, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये एसी का वैल्यू जानना है आपको, तो रूट ओवर 200 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 100 इंटू 2 हियर, सो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10 रूट 2, वी कैन राइट सो 200 मीटर स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट व्हाट? 10 रूट 2 मीटर, मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया। और अगर आपको रूट 2 का वैल्यू पता है, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41, सो यू कैन राइट हियर 10 इंटू 1.41 मीटर, सो इट विल बी 14.1 मीटर डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, सिंस इट इज फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फ्रॉम द चैप्टर, अच्छा से आप समझ लो इसको। और ऐसा ही एक और न्यूमेरिकल आपको मिल रहा है, दिस वन, और ये आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप मान लो मोशन चैप्टर आपका स्टार्टिंग चैप्टर होता है फिजिक्स का क्लास 9 में, और आपको बेसिक से सीधा थोड़ा एडवांस लेवल में आ जाना पड़ता है, आपको अपना सोच का तरीका बदलना होगा, दिस इज नॉट क्लास 8, और यहां आपको दिमाग का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है। सो डे वन से अगर घर में पढ़ना स्टार्ट कर देते हो आप, देन इट विल बी बेटर। नंबर 7, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक, इस बार ट्रैक कैसा है, पाथ कैसा है, पाथ इस बार है सर्कुलर ट्रैक, व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक इट इज? सर्कुलर ट्रैक, ओके। और उस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर आपको बता दिया गया है, मान लो ये
डायमीटर है इसका, और डायमीटर आपको बता दिया गया कितना, इट इज 200 मीटर. एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, वो एथलीट को इस ट्रैक का एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, वो भी गिवन है 40 सेकेंड. तो ट्रैक सर्कुलर, डायमीटर गिवन है, वन राउंड का टाइमिंग गिवन आपको. व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड. तो ये जो फार्मर वाला क्वेश्चन इससे पहले किया था लगभग उसके जैसा है, लेकिन इस बार पाथ जो है वो बदल गया है, पहले स्क्वायर और इस बार सर्कुलर. तो यहां हम लोग एथलीट के बारे में बात कर रहे हैं, और इधर टोटल टाइम जो गिवन है यहाँ पे, दैट टोटल टाइम इज व्हाट, 2 मिनट्स 20 सेकेंड. दैट टोटल टाइम इज 2 मिनट्स 20 सेकेंड, और 2 मिनट्स 20 सेकेंड यानी वी कैन राइट व्हाट, 140 सेकेंड्स. 140 सेकेंड्स. और आपको करना क्या है वो पता चल गया होगा, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करना है और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, लेकिन टोटल टाइम 140 सेकेंड है. और देखा हम लोगों ने जब फार्मर का न्यूमेरिकल किया था, हम लोगों ने नंबर ऑफ राउंड्स पता चलने के बाद कैलकुलेशन इजी हो गया था हम लोगों का. सो यहां भी हम लोग नंबर ऑफ राउंड्स का कैलकुलेट कर लेते हैं. नाउ नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड गिवन है क्वेश्चन में, एक राउंड लगा था 40 सेकेंड में. देयरफॉर नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड इन कितना, 140 सेकेंड में, 1/40 × 140 यू विल गेट 3.5. तो अब हम लोग को कैलकुलेशन जो करना है कितना राउंड्स के लिए, 3.5 राउंड्स के लिए डिस्टेंस कवर एंड डिस्प्लेसमेंट. तो मैं यहां आपको अगर एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि एक राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो सकता है, एक राउंड में, ये सर्कुलर पाथ है तो वहां डायमीटर आपको गिवन है, और डायमीटर से रेडियस, डायमीटर आपको गिवन है यहाँ पे, डायमीटर कितना गिवन है, 200 मीटर. तो रेडियस कितना होगा, रेडियस, रेडियस इज T/2, हाफ ऑफ द डायमीटर, सो इट विल बी 100 मीटर. और सर्कुलर पाथ में वन राउंड में डिस्टेंस कवर्ड कितना होता है, सर्कुलर पाथ में वन राउंड में डिस्टेंस कवर्ड होता है 2πr. टू राउंड में डिस्टेंस कवर्ड विल बी 2 × 2πr. तो यहां कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 3.5 राउंड्स. ओके, 3.5 राउंड्स क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 3.5 राउंड्स के लिए, क्योंकि 2 मिनट्स 20 सेकेंड में कितना राउंड्स कंप्लीट हो रहा है, 3.5 राउंड्स. So, we can write distance covered in one round is equals to what? 2πr. Therefore, distance covered in 3.5 rounds, that is 2 minutes 20 seconds will be 3.5 × 2πr. So 3.5 × 2πr, 2 × 22/7, और रेडियस कितना है, 100 मीटर. तो यहां जब आप कैलकुलेट करोगे 3.5 × 2 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2200 मीटर. तो जो 3.5 राउंड में डिस्टेंस कवर्ड हुआ वो एक्चुअली कितना टाइम के लिए हुआ, 2 मिनट्स 20 सेकेंड. सो वी कैलकुलेटेड व्हाट डिस्टेंस कवर्ड. अब अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 3.5 राउंड में, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं 3.5 राउंड में डिस्प्लेसमेंट. तो मैं अगर आपको पूछता हूँ वन राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वन राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0. मैं आपको पूछता हूँ सेकेंड राउंड में, टू राउंड कंप्लीट होने के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 0. मैं आपको पूछता हूं थ्री राउंड कंप्लीट होने के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो भी 0. लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ राउंड 3.5 राउंड, तो यहां स्टार्ट किया 3 राउंड तक, यही पहुंच गया 3.5 राउंड में, यहां पहुंच. तो ये जो लेंथ है ये डायमीटर, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन, ये दोनों के बीच में जो स्ट्रेट पाथ कैसा बन रहा है, इट इज डायमीटर. वही डिस्प्लेसमेंट होगा, वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट.
सो डिस्टेंस कवर्ड हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब नाउ डिस्प्लेसमेंट हम लोग को जानना है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू व्हाट डायमीटर इन दिस केस, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर, और डायमीटर तो गिवन है क्वेश्चन में, इट इज व्हाट डायमीटर 200 मीटर। सो सिंपल सॉल्यूशन इसका। ये दोनों न्यूमेरिकल जो फार्मर और एथलीट वाला क्वेश्चन है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आप पैटर्न देख लो इसमें, दोनों में क्या किया हम लोगों ने, जो गिवन टाइम था उसमें पहले नंबर ऑफ राउंड्स कितना होगा वो कैलकुलेट किया, और एक बार जैसे ही हम लोग को पता चल गया कि कितना राउंड्स कंप्लीट होगा उस गिवन टाइमिंग में, वी कैन इजिली कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, सेवन तक कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का, और अब हम लोग बात करते हैं नंबर एट, another important pattern. A particle moves over three quarters of circle of radius r. एक पार्टिकल मूव कर रहा है कैसा पाथ में, सर्कुलर पाथ में, कैसा पाथ में, सर्कुलर पाथ में, और इस सर्कुलर पाथ को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं चार क्वार्टर में, और एज पर द क्वेश्चन ऐसा बोला गया है कि पार्टिकल मूव्स ओवर थ्री क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल। पार्टिकल यहां से स्टार्ट किया, एक क्वार्टर मूव किया, दो क्वार्टर मूव किया, तीसरा क्वार्टर मूव किया, एंड पार्टिकल मान लो पहुंच गया सी में। दैट पार्टिकल मूव्स ओवर थ्री क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ, और यहां पे रेडियस गिवन है आर, तो ये सेंटर मान लो रेडियस, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो पता चल गया डिस्प्लेसमेंट एसी होगा, और आपको वो एसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्रॉम फिगर यू कैन इजिली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज एसी। सो हियर वी कैन राइट, फिगर ड्रॉ करना होगा, वी कैन राइट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट एसी। अब ये एसी का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे हम लोग, फ्रॉम ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो आप यहाँ पे ट्राइंगल आप देख सकते हो ए ओ सी, वहां पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, वी कैन राइट। सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू वॉट ओ ए, ओ ए आर स्क्वायर एंड ओ सी इज आर, सो आर स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, वी कैन राइट। ओके AC equals to what root over 2R square, therefore AC equals to R square ka square root karenge to R ho jayega, so R root 2 we can write, this is the answer here, I hope you have understood. To kya diya gaya, particle move kiya hai 3 quarter of the circle, 3 quarter move karne ke baad yahan pahunchega, ye initial position tha, और आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप देखोगे एसी इज द डिस्प्लेसमेंट और रेडियस गिवन था, वी कैन इजीली फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस आंसर प्रॉपरली। बार बार मैंने बोला है कि फिगर ड्रॉ करना जरूरी है, फिगर ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक is 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक क्लॉक है और उस क्लॉक का मिनट हैंड, क्लॉक का यहां मार्किंग कर लेते हैं 12, 3, 6 and 9, और मिनट हैंड जो गिवन है यहां पे, मिनट हैंड का लेंथ दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आवर हैंड थोड़ा छोटा होता है, मिनट हैंड यहां लॉन्गर होता है, और मिनट हैंड का लेंथ 7 सेंटीमीटर गिवन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिप ऑफ द मिनट हैंड। ये जो मिनट हैंड है इसका ये जो टिप है उसका डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। ओके, कौन सा टाइमिंग से लेके कौन सा टाइम तक, 9 बजे से लेके 9:30 AM to 9:30 AM। सो अभी तो 9 बजा इसमें, और 9 बजा तो 9 से 9:30 जब होगा, 9 से 9:30 जब होगा तो क्या होगा सिचुएशन देखते हैं। ये जो मिनट हैंड का जो टिप है वो घूमते घूमते कहाँ पहुंच जाएगा, 9:30 होने के लिए इस मिनट हैंड का टिप को पहुंचना पड़ेगा यहाँ 6 तक,
तो मिनट हैंड का टिप पहुंच गया किधर, सिक्स तक, ये पाथ ट्रेवल कर, और आवर हैंड थोड़ा यहां डिस्प्लेसमेंट इसका भी होगा, आवर हैंड ये 9:30 होगा, थोड़ा ऊपर चला गया, लेकिन इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, वी आर नॉट कैलकुलेटिंग फॉर दैट आवर हैंड, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर मिनट हैंड, और मिनट हैंड का ये जो टिप है, इस टिप का आपको कैलकुलेट क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट, ओके, और डिस्टेंस कवर्ड दोनों। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड का, हियर डिस्टेंस कवर्ड ये कैसा पाथ फॉलो हुआ, ये पाथ जो फॉलो हुआ सर्कुलर है या सेमी सर्कुलर बाय दिस टिप ऑफ द मिनट हैंड, तो यहां जो पाथ है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का डिस्टेंस कवर्ड पाई आर, फुल सर्कल का 2 पाई आर, सो यहां पे पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस 7 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 22 सेंटीमीटर, ओके। अब बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, यहां पे डिस्प्लेसमेंट, इस केस में डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रेट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और उसका लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट है, तो ए ये 12 बजा था और ये 6 बज गया, सॉरी 12 बज, ये 12 बजा था और 12 के बाद ये 9:30, ये 9 बजा था, ये 9 बजा था और यहां 9:30 तक पहुंचने के लिए आप देखो सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो हुआ, और उसका डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल है फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ दैट पाथ, उस पाथ का डायमीटर, उस पाथ का डायमीटर इज 2i ऑफ रेडियस, 2 × 7 सेंटीमीटर, 2 × 7 सेंटीमीटर, सो इट विल बी व्हाट, 14 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट यहां पे 14, यहां से लेके यहां तक का जो स्ट्रेट गैप है उसका लेंथ है 14 सेंटीमीटर। सो वी डिस्कस्ड 9 न्यूमेरिकल्स, और मैं आपको बताता हूं कि आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से ही आगे इस चैप्टर में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग टर्म है, वो सब मिलेगा। सो वी डिस्कस 9 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप ये 9 न्यूमेरिकल को घर में एक बार वीडियो के साथ प्रैक्टिस किया होगा आप लोगों ने, लेकिन घर में एक दो बार और आप क्वेश्चंस पढ़ो, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद सॉल्यूशन खुद ट्राई करना आप, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास 9 के स्टूडेंट को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, 100% रेगुलर वीडियो अपलोड्स होंगे, सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।